बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज का हमारा टॉपिक है क्रॉस कल्चर फेलोशिप के हवाले से, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर आइसलैंड यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है 3 से 2 मंथ के लिए, जो कि प्रोफेशनल हैं और वॉलंटियर हैं, जिनके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस हो एज ए प्रोफेशनल और एज ए वॉलंटियर। ये आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हो, इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरन आइसलैंड जर्मन यूनिवर्सिटी का ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इसका यूआरएल जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। www.ifa.de को आप ओपन करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। अभी हम चलते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इसके लिए हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ये वगैरह जो दिए गए हैं ये आप ख़ुद से पढ़ सकते हो। सिविल सोसाइटीज़ हो गए, ठीक है, ये जो है इस फेलोशिप के बारे में सारे डिटेल्स यहाँ पे दिए गया है। द क्रॉस कल्चर प्रोग्राम CCP फंड 52 to 60 प्रोफेशनल एंड डेडिकेटेड वॉलेंटियर फ्रॉम आवर 40 countries। ये जब आप कर्सर को नीचे करेंगे, हु कैन अप्लाई, ये आप देख सकते हो मेरे स्क्रीन पे, कंट्री करेंटली पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोग्राम, ये आप देख सकते हो इसमें मुख्तलिफ कंट्रीज़ है, ठीक है, पाकिस्तान भी यहाँ पे लिस्टेड है। तो इसके अलावा जो है, व्हाट डज द फंडिंग इंक्लूड, कोलैबोरेशन विद द होस्ट ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द CCP नेटवर्क एक्सेट्रा, ये आप खुद से पढ़ सकते हो। पार्टिसिपेंट फ्रॉम अब्रॉड, इसके बाद जो है आपने ये एप्लीकेशन के 3 स्टेप्स हैं, या खुद ये पोर्टल का यूआरएल एड्रेस है, मैं दिखाता हूँ आपको। इससे पहले आपने डॉक्यूमेंट टू डाउनलोड पे जाना है, यहाँ पे आपको मिलेगा रिकमेंडेशन लेटर का स्पेसिफिक फॉर्मेट है ये, इसको आपने फिल करना है। रेफरेंस पर्सन, फुल नेम, ऑर्गेनाइजेशन, पोजीशन, ईमेल एंड टेलीफोन नंबर और रिकमेंडेशन फॉर, ठीक है। इसके अलावा जो है, प्लीज़ से इंडिकेट इन व्हाट कैपेसिटी, हाउ विल एंड फॉर लॉन्ग यू हैव नोन द एप्लीकेंट, ये आप देख सकते हो। इसको आपने फिल करना है अपने सुपरवाइज़र से, यहाँ पे सिग्नेचर एंड स्टैम्प लगाना है। इसके बाद जो है इसको आपने एप्लीकेशन में अपलोड करना है। अभी हम चलते हैं एप्लीकेशन की तरह, सेलेक्ट दें अप्रोप्रिएट कंट्री कॉल फॉर द एप्लीकेशन, इसको हमने न्यू टैब पे ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके सामने कॉल फॉर CCP फेलोशिप का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है पाकिस्तान, ठीक है, यहाँ पे मुख्तलिफ कंट्रीज़ हैं जो कि एलिजिबल कंट्रीज़ हैं। इसके बाद आपने आना है यहाँ पे, अगर आप करंटली स्टूडेंट हैं, अगर आपने पास ली वर्क एक्सपीरियंस है आपका, एज ए वॉलेंटियर है आप, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कर दिया ए प्रोफेशनल, और आपने करना है ए वॉलेंटियर वर्कर इन सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन। डू यू हैव प्लान टू रिसीव अनदर ग्रांट फॉर द स्कॉलरशिप 2025, नो करना है इसको आपने। इसके बाद जो है आपने आना है, व्हाट्स योर लेवल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स, आपने एडवांस करना है। इन विच पीरियड इन योर इस योर ईयर ऑफ बर्थ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कर दिया है 1991 to 2021। इसके बाद आपने आंसर सबमिट करना है। करने के बाद ये आप स्क्रीन पे यू कैन अप्लाई फॉर द CCP प्रोग्राम, ओके। ये जस्ट आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक करने के लिए। इसके बाद जो है आपने क्लिक करना है अप्लाई नाउ पे। अप्लाई नाउ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो आपने अपलोड करने हैं। इधर ये आप देख सकते हो, प्लीज़ टेक यूर टाइम टू सबमिट यूर एप्लीकेशन, कम्प्लीट एप्लीकेशन, प्लीज़ नोट दे द क्वेश्चन मार्क आर रिक्वायर्ड फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ यूर एप्लीकेशन। इसके अलावा आपने फर्स्ट स्टेप पे आना है, यहाँ पे आपने अपना CV अपलोड करना है। इसके बाद जो है आपने यहाँ पे अपना जेंडर, ये सारे सिंपल हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है, वेट करें, मेल हो गया। जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है ये बिल्कुल सिंपल है, आपने अपना पर्सनल डिटेल जो है यहाँ पे फिलअप करना है। स्कूल, एजुकेशन, कैरियर, ठीक है, एजुकेशन लेवल देना है, फील्ड ऑफ वर्क,
वोकेशनल स्पेशलाइजेशन नॉलेज ऑफ इंग्लिश फॉर दर लैंग्वेज, मोटिवेशन लिखना है। इसके बाद आपके टू अप्लाई फॉर फेलोशिप प्लीज़ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एस, ठीक है, व्हाट्स योर मोटिवेशन फॉर अप्लाइंग फॉर द कार्स क्रॉस कल्चर प्रोग्राम। इसके लिए आपने एक मोटिवेशन लिखना है कि आप किस लिए आप इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। और इसके अलावा जो है विच प्रोफेशनल स्किल एंड सेट्स ऑफ नॉलेज वुड यू लाइक टू एक्वायर एट होस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन जर्मनी, इन विच एरिया डू यू वर्क प्लीज एक्सप्लेन योर स्पेसिफिक वर्क पोजिशन इन विच टास्क आर इंक्लूडेड। एंड फोर्थ पे है प्लीज आउटलाइन योर प्रेफरेंस फॉर द काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यू वुड लाइक टू बी होस्टेड। इसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव लिखना है, प्लीज़ समराइज योर ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव, प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव। इसके बाद आपने अपना पर्सनल, अगर आप स्टिल वॉलेंटियर हो आपने यस किसी ऑर्गेनाइजेशन का, तो आपने यहाँ पे यस करना है। आर यू ऑलरेडी इन कॉन्टेक्ट विद द होस्ट ऑर्गेनाइजेशन, यस आर नो करना है। इंफॉर्मेशन अबाउट द वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपने यहाँ पे अपना इंफॉर्मेशन देना है। होम ऑर्गेनाइजेशन, हाउ डिड यू लर्न अबाउट द CCP प्रोग्राम के लिए, फॉर एग्जांपल आपने IFA वेब पेज करें, जो भी करना है। एप्लीकेशन भी इसका बिल्कुल इजी है। तो इसके बाद आपने यहाँ पे अटैचमेंट करना है अपना एक पिक्चर, और इसके अलावा जो है CV एंड रिकमेंडेशन होम ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद इस एप्लीकेशन को आपने क्या करना है, सेंड करना है। ये रिकमेंडेशन लेटर है, ये फॉर्मेट मैंने आपको दिखा दिया ऑलरेडी, ये आपको होम पेज से आपको मिलेगा। इसको फिल करने के बाद आपने यहाँ पे इसको अपलोड करना है। इसके बाद इस एप्लीकेशन को आपने डायरेक्टली सेंड करना है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।